नमस्कार और शुक्रिया आपका इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। मैं हूं नीरज, आप आए हैं थ्राइव टू फिट पे। हम सबके जीवन का एक मुख्य लक्ष्य ये जरूर होता है कि हम अपने बेली फैट को, यानी कि अपने पेट की चर्बी को किस तरीके से कम करें और किस तरीके से उससे परमानेंटली छुटकारा पा पाए। यही टॉपिक है आज के इस वीडियो का। मैं आपसे शेयर करूंगा 5 स्टेप्स, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं अपने फैट लॉस प्रोग्रेस को, कुछ टिप्स डाइट प्लानिंग और फूड स्वैप्स के अराउंड कि कैसे आप अपनी कैलोरीज को मैनेज कर पाएं, और अंत में बात करेंगे कि ट्रेनिंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने से आपके पास अपना खुद का एक फैट लॉस प्रोग्राम होगा, जिसे आप आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूं अपने वर्कआउट्स को लेके, और हर हफ्ते मेरी कोशिश रहती है कि अपनी लिमिटेड नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं इन वीडियोस के जरिए एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो इस प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 है अपने बॉडी वेट को सही तरीके से ट्रैक और मॉनिटर करना। ज्यादातर लोग अपने बॉडी वेट को बहुत रैंडमली ट्रैक करते हैं। इसका मतलब कि वो वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं दिन में किसी भी समय या बहुत रैंडम इंटरवल्स पे, जैसे हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार या कई बार तो दिन में दो बार। तो पहला स्टेप होता है अपने बॉडी वेट को एक सही तरीके से और एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रैक करना। आपको अपने वेट को हर सुबह खाली पेट ट्रैक करना है आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम। वेट लेने से पहले आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। हमेशा एक डिजिटल वेइंग स्केल यूज कीजिए, ना कि एनालॉग। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप अपने बॉडी वेट के माइनर डिफरेंसेस भी ट्रैक कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपने बॉडी वेट की वीकली एवरेज निकालना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मंडे टू संडे तक रोज अपना वेट ट्रैक करते हैं और संडे में अंत में सातों दिनों के वेट को ऐड करके डिवाइड बाय 7 करते हैं, ताकि एक एवरेज निकल के आए। तो ये जो नंबर निकल के आएगा, इसे आप कहेंगे वीकली एवरेज फॉर दैट वीक, और ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे हर हफ्ते। तो अपने डेली वेट चेंज को कंपेयर करने की जगह आपको कंपेयर करना स्टार्ट करना है अपनी वीकली एवरेज को। और अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करे हुए सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीकली एवरेज आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अपने बॉडी वेट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी वेट डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करता है। कुछ फैक्टर्स जो डेली बेसिस पे आपके बॉडी वेट को इम्पैक्ट करते हैं, वो होते हैं कि किस समय आप अपना बॉडी वेट ले रहे हैं दिन में, आपने पिछली रात कितनी नींद ली, आपका पिछले दिन वाटर इनटेक क्या रहा, आपकी लास्ट मील की टाइमिंग और क्वांटिटी, और आपकी बाउल मूवमेंट भी। तो अगर आप अपना बॉडी वेट लेते रहेंगे रैंडमली दिन या हफ्ते में किसी भी समय, तो आपके लिए इम्पॉसिबल होगा अपनी फैट लॉस जर्नी को ट्रैक करना। आइडियल और रिकमेंडेड फैट लॉस रेंज होती है 0.5 to 1% ऑफ योर बॉडी वेट पर वीक। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफी हाई नहीं है, तो आप 0.5 टारगेट करें। अगर हाई है तो आप 1% तक टारगेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा वेट लूज करना क्रैश डाइट करके या बहुत ज्यादा कार्डियो करके पॉसिबल है, लेकिन वो सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि उस तरीके से आप फैट के साथ साथ बहुत ज्यादा मसल भी लूज करते हैं, विच इज नॉट आइडियल। सो स्टिक टू दिस रेंज। स्टेप नंबर 2 है कैलोरी मैनेजमेंट। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है फैट लॉस करने के लिए, और आप एक्चुअली कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नेगेटिव बैलेंस ही आपका फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। पहली चीज, कितनी कैलोरीज आपको चाहिए फैट लॉस करने के लिए। इसके लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी पड़ेंगी, जो करने के लिए आपको गूगल पे केवल टाइप करना है मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। काफी सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, किसी भी अच्छे लिंक पे जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी आप निकाल सकते हैं। आपको केवल एंटर करनी है अपनी एज, वेट, हाइट और अपनी एक्टिविटी लेवल, और आपका मेंटेनेंस कैलोरी नंबर निकल के आ जाएगा। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो कंज्यूम करने से आपका वेट मेंटेन रहता है, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी खाने से ना आपका वेट बढ़ेगा ना कम होगा। नाउ, वेट लूज करने के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा कम खाना है। ये एक बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि अगर इनपुट कैलोरीज इज इक्वल टू आउटपुट कैलोरीज, तो आपका वेट चेंज नहीं होता। अगर इनपुट आउटपुट से कम है, तो आपका फैट लॉस होता है। अगर इनपुट आउटपुट से ज्यादा है, तो आपका वेट बढ़ता है। तो जो भी नंबर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज का निकल के आता है, उससे 200 कैलोरीज कम कीजिए, ये पता लगाने के लिए कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आती है 2500, तो आपके लिए नंबर होगा 2300 कैलोरीज। रिमेंबर, कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको एक एक्यूरेट नंबर ऑफ मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं दे सकता, क्योंकि ये वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितने एक्टिव है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, और आप कैसी ट्रेनिंग करते हैं। बट एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट होता है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, आपको पता करना है कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। ये पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक डिजिटल फूड वेइंग स्केल ऑर्डर करना है, जो आप Amazon या Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट होती है तकरीबन 300 से 500 रुपए। ये ऑर्डर करने के बाद सेकंड स्टेप है अपने स्मार्टफोन में एक फूड ट्रैकिंग ऐप को डाउनलोड करना। पहला एग्जांपल है माय
माई फिटनेस पैल जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हेल्दी फाई मी। अगर आपको कोई और अच्छी ऐप मिलती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हमें उस फूड वेइंग स्केल और इस फूड ट्रैकिंग ऐप को साथ में यूज करना है, जो कि एक सिंपल प्रोसेस है। इन फूड ट्रैकिंग ऐप्स में एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है सारे इंडियन फूड्स का, जो हम घर पे बनाते हैं और खाते हैं। इस डेटाबेस में बाकी कुजींस के भी खाने होते हैं जो आप बाहर जाके खाते हैं या बाहर से ऑर्डर करते हैं या शायद घर पे बनाने की ट्राई करते हैं। तो आपको सिंपली एक प्रोसेस फॉलो करना है कि जो भी खाना आप अपने मुंह में डाल रहे हैं उसे खाने से पहले उस फूड वेइंग स्केल पे उसका वजन ले और उस खाने की चीज को और उसके वजन को इस ट्रैकिंग ऐप में एंटर करें। ये करने से ये ऐप आपको खुद बता देगी कि उस चीज में कितनी कैलोरीज हैं और हर दिन के अंत में आप पता लगा पाएंगे कि उस दिन आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी। ये स्टेप सुनने में बहुत भयानक लगता है लेकिन ट्रस्ट मी, ये इतना मुश्किल नहीं है। शुरुआत के एक हफ्ते में आपको शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन उसके बाद आप इस ऐप से यूज्ड टू हो जाते हैं और ये प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है। तो आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं ये पता लगाने के लिए आप इस ऐप को यूज कीजिए 3 से 5 दिन। हर दिन के अंत में जो नंबर निकल के आता है वो आपको इंडिकेट कर देगा कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और आप ये नोटिस करेंगे दैट दिस नंबर इज हायर देन योर टारगेट कैलोरीज फॉर फैट लॉस और ये इजीली एक्सप्लेन कर देगा कि आप वेट लूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 है डाइट प्लानिंग। तो आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है ताकि आप उस गैप को कम कर सकें जो आपकी एक्चुअल कैलोरी इनटेक और आपकी टारगेट फैट लॉस कैलोरीज के बीच में है। तो रिसर्च ये प्रूव करती है कि किसी भी टाइप की डाइट को फॉलो करना इफेक्टिव होता है फैट लॉस के लिए, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और आप उस टाइप की डाइट को एक लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाए। मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये होगा कि आप किसी भी टाइप के खाने को अपनी डाइट से कम्प्लीटली मत निकालिए जो आपके घर पे रोज बनता है, जो आप खाना प्रेफर करते हैं, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, राइस, दही, सलाद। इंस्टेड मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो चीजें करना। फर्स्ट, लुक फॉर इजी फूड स्वैप्स, यानी कुछ खानों में फेर बदल कीजिए जिस वजह से आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम हो। दूसरा, अपने खाने के पोर्शन साइज को, यानी कि आप कितना खाना खाते हैं उसकी क्वांटिटी को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए बेस्ड ऑन योर कैलोरी इनटेक गोल। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज कीजिए ताकि आप वो खाना खा पाएं जो खाने की आपको आदत है और ताकि ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट बन पाए। सो फूड स्वैप्स के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यूज अ कुकिंग स्प्रे इंस्टेड ऑफ कुकिंग ऑयल। शुगर को रिप्लेस कीजिए एक शुगर सब्स्टिट्यूट से। अगर आप अंडे खाते हैं तो एक होल एग से ज्यादा ना खाएं और बाकी केवल एग वाइट खाएं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो केवल चिकन ब्रेस्ट खाएं इंस्टेड ऑफ होल चिकन और मटन। अगर आप दूध पीते हैं तो स्लिम मिल्क का यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ होल क्रीम मिल्क। अगर आपको फ्रूट से न्यूट्रिशन चाहिए तो किसी फ्रूट को खाएं इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग पैकेज जूसेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें पर स्वैप आप 100 कैलोरीज तक बचा सकते हैं और आपको हंगर क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। तो इस तरीके के फूड स्वैप करना अपनी डाइट में स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको अवॉइड करने हैं कैलोरी डेंस फूड जैसे पीनट बटर, घी या मक्खन या नट्स, ड्राई फ्रूट जो आप खाते हैं। ये एक बहुत कम क्वांटिटी में आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज देते हैं और आपका पेट भी नहीं भरते। सो कंट्रोल देयर इनटेक। साथ ही साथ आप खाना स्टार्ट कीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे शिमला मिर्च, खीरा, पालक। पहली चीज, ये काफी हेल्दी होते हैं, दूसरी आपके स्टमक को फिल कर देते हैं तो आपकी एपेटाइट कंट्रोल में रहती है। सो इन फूड स्वैप्स और चेंजेस के बाद आपको अपने मील के साइज को कंट्रोल करना है। एडजस्टेड बेस्ड ऑन योर कैलोरी गोल। फॉर एग्जाम्पल, अपनी डाइट से एक रोटी कम करना या 50 से 70 ग्राम राइस कम करना या आधी कटोरी दाल या आधी कटोरी दही कम करने से यू कैन सेव एनीवेयर बिटवीन 70 to 140 कैलोरीज। तो आपको बहुत होशियारी से खाना है और ये फूड स्वैप्स और अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करने से ही आप इजीली 400 से 500 कैलोरीज हर दिन बचा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर एपेटाइट। स्टेप नंबर 4 है अपने नीड को बढ़ाना। नीड का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये सिर्फ एक फैंसी टर्म होता है जो बताता है कि आप कितनी एक्टिविटी करते हैं जिम के बाहर या अपने ट्रेनिंग प्लान के बाहर। डेली एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग या काम करते हुए अपने पैर को टैप करते रहना या फोन पे बात करते हुए वॉक करना, एक स्टैंडिंग डेस्क को यूज करते हुए काम करना, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखना, ऐसी चीजें करने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कितनी कैलोरीज एक दिन में बर्न करते हैं एक्सरसाइज के अलावा। एंड नीड कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। और अगर आप अपने नीड पे फोकस करते हैं और इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप एक दिन में 200 से 400 कैलोरीज यानी कि एक हफ्ते में 1400 से 2800 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा और ये एक बहुत बड़ा नंबर है फैट लॉस के लिए। सो नीड पे फोकस कीजिए, अपने स्टेप काउंट को ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए या इन्वेस्ट कीजिए एक फिटनेस बैंड में। कोशिश कीजिए 5 से 10 मिनट की वॉक्स लेना अपने खाने से पहले या खाने के बाद। घर के कामकाज में थोड़ा हाथ बटाएं जैसे कुकिंग, क्लीनिंग या कपड़ों को फोल्ड करके रखना। इन जनरल क्रक्स ये है कि ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड कीजिए। ये आपका फैट लॉस प्रोसेस काफी स्पीड अप कर देगा। लास्ट पॉइंट है वर्कआउट।
काफी लोग जो फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं, या तो वो केवल फोकस करते हैं कार्डियो पे, या वो केवल फोकस करते हैं वेट ट्रेनिंग पे। आइडियल अप्रोच होती है अ मिक्स ऑफ बोथ। जो कंप्लीट बिगिनर्स होते हैं उन्हें स्टार्ट करना चाहिए हफ्ते में 45 मिनट से 1 घंटे के 3 वर्कआउट सेशंस के साथ, और आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करें। आपके वर्कआउट में होनी चाहिए 30 से 40 मिनट की वेट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, फॉलोड बाय 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो जैसे कि वॉकिंग। जो लोग ऑलरेडी वेट ट्रेनिंग करते हैं वो प्लीज दो चीजें कीजिए। पहले तो उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना है जिसमें आप हाई नंबर ऑफ रेपिटेशन निकालते हैं कटिंग करने के लिए। ये काउंटर इंट्यूटिव होता है, इसका कोई फायदा नहीं होता, इट्स नॉट राइट। तो आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल चेंज नहीं होता है, आपको वैसे ही ट्रेनिंग करनी है जैसे आप रेगुलरली करते हैं। इसके साथ साथ आपको ऐड करने हैं हफ्ते में 2-15 मिनट के कार्डियो सेशंस अपने वर्कआउट के बाद या दिन में कभी भी। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं ब्रिस्क वॉकिंग, क्योंकि आपके वर्कआउट्स की रिकवरी में इंटरफेयर नहीं करता है। आप भी धीरे धीरे टारगेट कीजिए ऐसे 4 वॉकिंग सेशंस करना एक हफ्ते में, और आप कर सकते हैं इसे 20 से 30 मिनट तक भी। जो लोग वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करते हैं वो ये चीज जरूर ध्यान से सुने, आपके शरीर पे जितनी ज्यादा मसल होगी उतना ज्यादा इजी होगा आपकी बॉडी के लिए अननेसेसरी फैट से दूर रहना। सो स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कीप दैट फैट ऑफ परमानेंटली। तो ये थे फैट लॉस के वो 5 स्टेप्स। अंत में मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, दैट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू बी पेशेंट। नेचुरली फैट लॉस करना एक काफी स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस हो सकता है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंट रहना है इस जर्नी में, और ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस को। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपकी जर्नी के बीच में 1 या 2 हफ्ते तक आपका वेट कम ना हो, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डोंट गिव अप एंड कंटिन्यू विद डिसिप्लिन। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।